उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के ऐलान की सूची में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी नाम जुड़ गया है। AIMIM की तरफ से 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और इन उम्मीदवारों की सूची अब सामने आ गई है। 9 विधानसभा सीटें हैं जहां से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जहां पर अब सक्रियता AIMIM के उम्मीदवारों की देखने को मिल रही है। एक एक कर आपको बताते हैं कि कौन से जिले की कौन सी विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार पर AIMIM की तरफ से दांव लगाया गया है। शुरुआत गाजियाबाद से करते हैं तो गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से डॉक्टर मेहताब को AIMIM ने टिकट दिया है। लोनी काफी प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। इसके अलावा हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से फुरकान चौधरी को मैदान में उतारा गया है। हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट से हाजी आरिफ को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए मेरठ जिले की तो मेरठ की सिवाल खास विधानसभा से रफात खान को AIMIM ने टिकट दिया है। इसके अलावा मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट से जीशान आलम को टिकट दिया गया है। साथ ही मेरठ की किठौर सीट से तस्लीम अहमद को मैदान में उतारा गया है। सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से अमजद अली को टिकट दिया गया है। बरेली की बरेली 124 विधानसभा सीट से शाहीन रजा खान उर्फ राजू को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सहारनपुर की सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से मरगूब हसन को टिकट दिया गया है। तो ये 9 वो उम्मीदवार हैं जिनको AIMIM की तरफ से फाइनल किया गया है अलग अलग विधानसभा सीटों पर, और इनका आज ऑफिशियली औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि ये लोग अपने अपने विधानसभा सीट पर सक्रियता बढ़ा दें और हर हाल में जीत हासिल करने की कोशिश करें। AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली की तरफ से इन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई गई है और इनका ऐलान किया गया है। तो ये वो 9 उम्मीदवार हैं जो सामने आए हैं, और जो विधानसभाएं हैं वो गाजियाबाद की लोनी, हापुड़ जिले की गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ की धौलाना, मेरठ की सिवाल खास, मेरठ की सरधना, मेरठ की किठौर, सहारनपुर की बेहट, बरेली की बरेली 124 और सहारनपुर की सहारनपुर देहात। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां से AIMIM ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है।